अच्छा अभी अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी, ऑब्जर्व करी है यार, इंदौर में कैफ़े का बिजनेस, बिजनेस अलग कैफ़े डालने का, इस्टेब्लिश करने का कोई सोच रहा हो तो कल देखो कि भाई सक्सेसफुल है, क्योंकि इस समय मैं भरकुआ पे बैठा हूँ और भरकुआ तो वैसे अपन घूमते रहते हैं तो मतलब यहाँ देखो तो हर दो कदम पे कैफ़े मिलेंगे आप बढ़िया, लोगों को 10 रुपये में चाय पिलाओ चॉकलेट वाली तो बढ़िया, मतलब लोगों से वाले 10 रुपये आप ज़्यादा लो लेकिन चीज़ अच्छी दो, बिजनेस सेट है। मतलब मेरा मतलब कहने का ये है, अगर कोई करना चाहे कर सकता है, क्योंकि मैं भी मैनेजमेंट की ही पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई ऐसी कोई चीज़ लगता है मुझे कि कैफ़े दमदार चीज़ है यहाँ इंदौर के हिसाब से। तो मज़ा आ रही है ट्रैक्टर में बैठे रहने में, इंदौर में अलग ही मज़ा है। बोलो धन्यवाद सर आपको। ओके भैया, अभी 3 इमली तक हम ट्रैक्टर से आए, लोग ऑडी में घूमते हैं, मर्सिडीज़ में घूमते हैं, अपन ट्रैक्टर पे आए, सबसे अच्छा काम, एक तरफा ठंड खाते हुए। वैसे आप समझे सही थे, क्योंकि ब्लॉगर कहीं भी सोच सकता है। तो कैसे हो सब, क्या चल रहा है? टुडे इज 1st January और अभी मैं निकल रहा हूँ उज्जैन के लिए। चलो तो हम लोग बैठ चुके हैं उज्जैन के लिए, उज्जैन जैसे मैं बस में बैठा, सबसे पहला ख्याल आया बस तेरा भाई चला आएगा। चलो तो भैया उज्जैन में एंटर हो चुके हैं, हमने सरवटे से ये बस पकड़ ली थी उज्जैन के लिए। अगर हम लोग 2:30 बजे इंदौर से बैठ गए थे और अभी कितना हो रहा है, 4:30 हो रही है, मतलब 2 घंटे यार, अपने ज़्यादा टाइम नहीं लग गया। मैंने बोल दिया कि 5 मिनट का रास्ता है, यहाँ से राइट चले आओ, राइट आ रहे हैं, वैसे तो स्ट्रेट जा रहे हैं। तो हम अभी जस्ट बस से उतर के महाकाल के दर्शन के लिए ही जा रहे थे, तो रास्ते में हमें कहा गरम गरम कचौड़ी निकल रही है, तो हम आ गए नाश्ता करने होटल पर, गरम गरम कचौड़ी। तो भाई साहब अपन में यहाँ उज्जैन अभी फर्स्ट टाइम आया, क्योंकि इंदौर में तो अपन बहुत टाइम से थे, लेकिन सेकेंड टाइम आ चुके हैं। नहीं सेकेंड टाइम में तेरा सेकेंड टाइम है, मेरा फर्स्ट टाइम उज्जैन में, बहुत दिनों से चल भी रही थी। तो भैया चलो न्यू ईयर पे अपन आज घूम लेंगे। चलो तो बोर्ड में लिखा है 1 किलोमीटर है यहाँ से अंदर उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल, पैदल पैदल ही चलते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छा वही है घूमते फिरते। मकर संक्रांति का भैया क्रेज़ अभी से ही लग रहा है, क्योंकि भैया पतंग वतंग की दुकानें बढ़िया तेज़ वाली, लेकिन अपने को उड़ाना ही नहीं आता, अपने को काटना नहीं आता, सही बात होता है। बाकी बढ़िया लग रहा है जो भी है, मतलब अपन यहाँ भी घुसे हैं जैसे भी घुसे हैं, बढ़िया है आसपास का माहौल, दुकानें वुकानें सब, बस कमी ये है कि यहाँ पर सैंडविच की कोई सी दुकान नहीं दिख रही, सैंडविच मैगी की कैफ़े वगैरह, जो कि बेहद पॉपुलर है हमारे इंदौर में, हमारे ही हो गया, नहीं है अपने ही हो गया। सही है, 1 किलोमीटर होने पे आया है, नंदे नहीं दिख रहा अभी। अरे भाई साहब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको पता नहीं। फाइनली अब मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, ठीक है, जय श्री महाकाल, महाकाल की नगरी उज्जैन। जय महाकाल सरकार की जय। मतलब बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो रही है, बहुत मतलब एक पॉजिटिव वाइब भक्तों के लिए। हाँ, महाकाल के दर्शन कर लिए, मज़ा आया देख के दर्शन करके, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत जय दर्शन, जय महाकाल, जय महाकाल, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। उज्जैन पहली बार आया, दर्शन किया, मैंने क्लिप नहीं देखा पाया क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं था यार। जस्ट अभी मैं यहीं से दर्शन करके निकला हूँ बाबा महाकाल के, ठीक है, महाकाल सरकार के दर्शन हो गए और ये जस्ट बाहर निकला हूँ अभी मैं, तो बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, ठीक है। तो भैया हम आ गए हैं इंदौर उज्जैन से, अभी कितने भैया पूरी छोट हमारे साथ ही होती है, हम अभी आए उज्जैन से, वो व्यक्ति हम सिटी बस में बैठे, वो एक स्टॉप पहले उतर गया, उसके पास फोन है ना पर्स है ना कुछ है, मोबाइल आप देख सकते हो, उसका मोबाइल पास है, दो मोबाइल, ये दो मोबाइल हमारे पास है।